हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर लॉबी गेम प्ले। वीडियो में गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपना रैंक और टियर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और यहाँ पे किसी भी बंदे को रैंक पुश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को यहाँ पे एक बार जरूर से बता देना। अभी तो यहाँ पे जो अपना रैंक है वो यहाँ पे टॉप 15 के अंदर चल रहा है एंड देखते हैं यहाँ पे जो अपना टॉप 10 है वो यहाँ पे कितने दिनों के अंदर हो पाता है। यहाँ पे अपने को सिर्फ 200 प्लस चाहिए यहाँ पे टॉप 10 के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे अगर अपने दिन अच्छे गए तो यहाँ पे अपन 2 दिन के अंदर यहाँ पे टॉप 10 लगा देंगे। तो यहाँ पे जो भी चैनल पे न्यू है मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो माय रीजन ऑफ लाल, आज वाली वीडियो में यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम प्ले रहने वाला है, लेकिन वाला जो गेम प्ले है ना यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही गेम प्ले रहने वाला है। बिकॉज इस वाले मैच में यहाँ पे अपन ने 18 किल के साथ डोमिनेशन निकाला है, तो आप लोगों को देख के एकदम मजा ही आ जाएगा। अभी मैं इस वाले गेम में यहाँ पे मिल्टा वाले इवेंट पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने आती अच्छी खासी तस्वीर चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पे इवेंट पे काफी सारे बंदे बाकी थे तो अभी इन बंदों को यहाँ पे क्लियर करना था। अभी यहाँ पे अपनी साइड का एरिया क्लियर करने के बाद यहाँ पे सामने की साइड 2 बंदों की फाइट हो जाती है। एक बंदा यहाँ पे दूसरे बंदे को किल कर देता है एंड इस बंदे से मेरे यहाँ पे जो फाइट रहती है वो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी चलती है, लेकिन इसको यहाँ पे किल कर देते हैं। एंड अभी इस बंदे से मैं यहाँ पे फाइट कर रहता हूँ, तभी यहाँ पे पीछे की साइड से एक बंदा M249 चला रहता है। अभी इस बंदे को मैं यहाँ पे देखने आता हूँ, लेकिन ये जो बंदा रहता है यहाँ पे अपने को स्पॉट होता है नहीं, तो मैं भी यहाँ पे इवेंट से निकल जाता हूँ एंड आ जाता हूँ यहाँ पे स्नाइपर की साइड। अभी मैं यहाँ पे जैसे आ रहा हूँ मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है एंड मैं यहाँ पे जैसे अपार्टमेंट के अंदर घुसता हूँ मेरे को यहाँ पे 2 बंदों की फुटस्टेप आने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे जो बंदा पहले से होल्ड कर रहा था इस बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ एंड जैसे दूसरे वाले बंदे पे क्लोज इन करता हूँ, चूंकि मेरे को यहाँ पे पहले स्पॉट हुआ था ये बंदा यहाँ पे जैसे बालकनी में कूदता है इसको यहाँ पे किल कर देते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मेरे को इस वाले अपार्टमेंट से एक बंदे का फुटस्टेप आता है एंड जैसे इस बंदे को मैं यहाँ पे देखने आता हूँ ये जो बंदा रहता है यहाँ पे फुट देने का नाम ही नहीं लेता है। फिलहाल अभी ये जो बंदा रहता है मेरे को यहाँ पे लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है एंड अभी देखो इस बंदे को यहाँ पे अपन किस तरह मारने वाले हैं। अभी मेरा ध्यान यहाँ पे जैसी बॉट पे जाता है ये बंदा यहाँ पे अपने पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है, इसको यहाँ पे जैसे तैसे करके किल कर दे दे, तभी यहाँ पे जो सामने वाला कंपाउंड रहता है वहां से अपने को एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अब इस बंदे को यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया होगा नहीं कि मैं यहाँ पे ऊपर से आने वाला हूँ, इसको यहाँ पे किल कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पे काफी देर बंदे ढूंढने के बाद यहाँ पे अपने को कोई भी मिलता है नहीं, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस तक कामिश की वाली शॉप पे, बिकॉज यहाँ पे अपने पास अच्छे खासे कॉइन्स हो रखे थे तो मैं यहाँ पे फ्लेयर मंगवा लेता हूँ।
यहाँ पे मैं जोन केज पे जा रहा हूँ, तभी यहाँ पे एक वाले बंदी की रोटेशन आ थी, इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। वाले स्क्वाडर्स पे बीआरडी मंगवाने के लिए आता हूं, तभी मेरे को एक बंदे का फर्स्ट स्टेप आता है एंड यहां पे पीछे की साइड एक और बंदा उल्ट कर रहता है। यहाँ पे स्क्वाडर्स वाला बंदा जैसे ही शॉटगन चलाता है मैं वहां से कल्टी मार लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अपनी शॉटगन से दुश्मनी बहुत गंदी वाली है। सो यहाँ पे जो बंदा पीछे उल्ट कर रहा था इस बंदे पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुश करने के लिए आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे किल कर देते। अभी यहाँ पे जो अपना बीआरडीएम था वो भी यहाँ पे आ चुका था, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो बंदा रहता है अपने बीआरडीएम को ऑलमोस्ट फोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात थी नहीं, बिकॉज यहाँ पे अपने पास कैप्सूल रहता है। फिलहाल वहां से मैं जाता हूँ सीधा जोन के सेंटर में, आने वाले जो कंपाउंड रहते अपने को यहाँ पे खाली मिल जाते हैं, तो वहीं पे रूल करेंगे एंड बस देखते जाओ अपने यहाँ पे बैठे बैठे कितने बंदों को भरने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर रोल करने के बाद यहाँ पे एक यूएस वाले बंदे की रोटेशन आती है एंड अभी ये जो बंदा रहता है यहाँ पे शायद से इसी कंपाउंड में होल्ड करने के लिए आ रहा है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देते। तभी यहाँ पे सामने की साइड दो बंदों की फाइट हो जाती है, एक बंदे को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो शॉप रहती है वहाँ पे एक बंदा उल्ट कर रहता है एंड अभी बंदा यहाँ पे जैसी जोन के अंदर जाने का ट्राई करता है, इसको मैं यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन इस बंदे का के लिए यहाँ पे कोई दूसरा बंदा उठा लेता है। एंड अभी यहाँ पे अपने पास जो एमओ थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ से अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो अगला जोन था वो यहाँ पे अपने से शिफ्ट हो जाता है, तो मैं आप इस जोन के अंदर निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे जोन के अंदर आने के बाद मेरे को यहाँ पे ओपन में एक बंदा लेटा हुआ स्पॉट होता है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तभी यहाँ पे सामने की साइड से एक बग्गी वाले बंदे की रोटेशन निकलती है, अभी मैं चाहता तो इस बंदे को यहाँ पे क्लिक कर सकता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे डर लग रहा था कि यहाँ पे जो कैप्सूल वाला बंदा ये बंदा यहाँ पे अपने को किल ना कर दे। फिलहाल ये बंदा यहाँ पे जोन से किल हो जाता है। अभी यहाँ पे जो कैप्सूल वाला बंदा रहता है यहाँ पे काफी देर से इधर उधर घूम रहा रहता है, इसको यहाँ पे किल कर देते। और अभी मेरे को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे बाकी थे जिनके यहाँ पे आपस में सामने की साइड फाइट हो जाती, एक बंदा यहाँ पे दूसरे बंदे को किल कर देता एंड अभी यहाँ पे जो लास्ट बंदा बाकी था इस बंदे पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुश करने के लिए आ जाता हूँ।
अब यहाँ पे जो लास्ट बंदा रह रहा है इसको भी यहाँ पे इजीली नेट से फोड़ देते, और इस वाले गेम में यहाँ पे अपने को 18 किल के साथ 23 का प्लस मिल जाता है। तो बस यह था आज का वीडियो, अगर आपको यहाँ पे गेम प्ले जरा से भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो मार ही देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।